था किस तरह से पूरी नीचे कर लीजिए भाई, थोड़ा सा नीचे कर लो भाई, थोड़ा नीचे सबसे ऊपर में देखिए बराबर से। हमारे द्वारा और डीएम साहब के द्वारा और समस्त पुलिस प्रशासन के द्वारा अथक रूप से बहुत बेहतर और विस्तृत रूप से समझाने बुझाने के बाद मीटिंग करने के बाद भी शुक्रवार के दिन 10 जून को जो भी घटना हुई थी अटाला एरिया में और खुल्दाबाद के अन्य इलाकों में करेली में, उसमें 29 गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया था और 24 घंटे के भीतर त्वरित और तत्परतापूर्वक सख्त कार्रवाई करते हुए कुल मिलाकर 68 उपद्रवियों को न्यायिक अभिरक्षा में भेजने की कार्रवाई की गई है। इसमें से 64 उपद्रवी बालिग हैं जबकि 4 नाबालिग घोषित हुए हैं। उसके बाद कुल 23 अन्य उपद्रवियों को वीडियो फुटेज और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर चिन्हित करते हुए उनसे सघनतापूर्वक पूछताछ की जा रही है, उनके खिलाफ सबूत देखे जा रहे हैं। इस प्रकार से कुल अब तक 91 लोगों को हिरासत में लेकर कार्रवाई की गई है। इन 23 के खिलाफ सबूत इकट्ठे किए जा रहे हैं, सबूत मिलने पर ही कार्रवाई होगी, किसी बेकसूर पर कार्रवाई कतई नहीं होगी। और उसी सिलसिले में आज जावेद मोहम्मद जावेद उर्फ जावेद पंप नाम का जो अभियुक्त था, जो अभी तक की तफ्तीश में इस पूरी घटना का सूत्रधार बन के उभर के आया है, उस पे उसके अवैध निर्माण पे ये जिला प्रशासन और पीडीए के द्वारा कार्रवाई की गई है। इस कार्रवाई के दौरान उसके घर की सर्चिंग भी की गई और उसमें आपत्तिजनक सामान मिले हैं। टोटल जो आपत्तिजनक सामान मिले हैं जिसमें अवैध असलहे और आपत्तिजनक पोस्टर वगैरह हैं, उसको कब्जे में ले लिया गया है, उसकी सूची बन रही है और उसको तफ्तीश में शामिल किया जाएगा। अगर आप डिटेल में बात करना चाहें तो जो भी असलहे मिले हैं उसमें एक 12 बोर का अवैध तमंचा है, इसके अलावा 315 बोर का एक तमंचा है और कई कारतूस बरामद हुए हैं, कुछ कागजात बरामद हुए हैं जिसपे माननीय न्यायालय पर तल्ख टिप्पणी और आपत्तिजनक टिप्पणी इस जावेद मोहम्मद जावेद उर्फ जावेद पंप के द्वारा किया गया है। इन सभी चीजों को ऑन रिकॉर्ड लिया जाएगा और इनको सबूतों में शामिल किया जाएगा ताकि सबूतों के साथ अच्छी लिखा पढ़ी करते हुए माननीय न्यायालय के समक्ष इन सभी चीजों को पेश किया जाए। इंटरनेशनल कुछ लिटरेचर मिला है, कुछ ऐसा कुछ मिला है? लिटरेचर मिले हैं, कई किताबें मिली हैं, उसका एक एक पन्ना भी पड़ताल किया जाएगा, क्योंकि आप देख रहे हैं पूरी टीम भावना से पुलिस और प्रशासन के सैकड़ों जवानों ने इसमें मेहनत किया है और बहुत देर तक की पूरी धूप में चिचिलाती धूप में कार्रवाई हुई है। बड़ी कार्रवाई है, 5 करोड़ से भी ज्यादा की संपत्तियों को नियमानुसार जमींदोज किया गया है और आगे भी कार्रवाई जारी रहेगी। अभी जितना भी लिटरेचर मिला है, झंडा पोस्टर बैनर कागजात मिले हैं, सभी की गहराई से पड़ताल की जाएगी कि किसने लिखा है, क्यों लिखा है, इसकी मंशा क्या है। बहुत सारी चीजें अभी तफ्तीश में है, वो आपको जैसे मैं बताता आ रहा हूँ लगातार आपको बताया जाएगा। अली अहमद की गिरफ्तारी की गई है, उसका क्या रोल रहा है इसमें? जैसा मैंने कल बताया था, उसके बाद से लगातार हमारी जो इन्वेस्टिगेटिव टीम है वो काम कर रही थी, सबूत मिलते ही कार्रवाई कर दी जाएगी, बिना सबूत के अभी कोई कार्रवाई नहीं होगी। इमाम गिरफ्तार हुए हैं अटाला मस्जिद के, कौन कौन गिरफ्तारी हुई है? नहीं, अभी कोई गिरफ्तारी नहीं है ऐसी, पूछताछ की जा रही है, सबूत मिलने पे गिरफ्तारी की भी कार्रवाई की जा सकती है। कुछ बड़े नाम सामने आए थे जो एमआईएम के कुछ नेता थे, उनकी किसी की गिरफ्तारी हुई है, जो शाह आलम है प्रेसिडेंट के, और एक और नाम था पार्टी से जुड़ा हुआ। ये मैंने पहले भी कहा था, हमारा किसी पार्टी से कोई लेना देना नहीं, न तो हम किसी के बारे में टिप्पणी करना चाहेंगे। जो भी क्रिमिनल माइंडसेट का होगा, बदनीयत होगा, जो छोटे छोटे बच्चों को, नाबालिग बच्चों को, अबोध बच्चों को आगे करके उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहा है, उनकी जिंदगियों को बर्बाद कर रहा है, उनको हम कतई नहीं छोड़ेंगे। नाबालिग बच्चों को आगे करके जो दंगा फसाद कर रहे हैं, पथराव कर रहे हैं, उपद्रव कर रहे हैं, पुलिस प्रशासन पे पथराव कर रहे हैं, आम जनता पे पथराव कर रहे हैं, उनको कतई किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। क्या पीएफआई का संबंध पीएफआई से हो सकता है, इस तरह की चर्चा? देखिए, मैं दोबारा कह रहा हूँ कि किसी पार्टी का हम नाम नहीं लेना चाहेंगे इसमें, लेकिन जो भी नाम निकलेगा, क्राइम और क्रिमिनल नेटवर्क से उसका नाता होगा, साजिश रचने में, फैलाने में, छोटे छोटे बच्चों को आगे करने में, ये सब में जिसका भी हाथ आएगा, वो किसी भी दल बल या संगठन से हो, कतई बख्शा नहीं जाएगा।